हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें मार्केट में इतनी आज तेजी थी बट ब्राइटकॉम ग्रुप वहीं की वहीं घूम रहा था। 18.45 रुपीज़ पर क्लोज हुआ। आज ईडी कोर्ट में हियरिंग थी, उसका क्या हुआ वो भी जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। और भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मुझे पोस्ट करना है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, इफ टाइम मिला तो आज करता हूँ या फिर कल करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने माय लाइफ के ऊपर दो वीडियो बनाए, जिसमें मैंने स्कूल लाइफ में इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आए थे उसके बारे में पोस्ट किया। मैं मुंबई पढ़ने गया 10th के बाद में, वहाँ पे मेरे कॉलेज में ऋतिक रोशन मेरे साथ में थे, इमरान हाशमी मेरे कॉलेज के हैं, राकेश जी झुंझुनवाला है मेरे कॉलेज के हैं, जो कि राकेश जी झुंझुनवाला, जूही चावला, आदित्य चोपड़ा, उमर अब्दुल्ला, ये सब मेरे कॉलेज में पढ़े हुए, राहुल बोस। तो ऐसे कॉलेज में जाने के बाद इंग्लिश के जो प्रॉब्लम पे मैंने कैसे बीट किया और कैसे मैंने इंग्लिश इम्प्रूव की उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ माय लाइफ के। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में एमओ ऑर्डर लगी हुई है 7400 शेयर्स की सेलिंग के लिए, जो कि निग्लिजिबल है। एनएससी और बीएससी मिलाकर 1,95,00,000 शेयर्स जो है ट्रेड हुए, जो कि ठीक ठाक वॉल्यूम था, और डिलीवरी परसेंटेज उठाया गया है 40%। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर डायरेक्शन लेस हो चुका है और काफ़ी कंफ्यूजन है। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे, मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि एफआईआई क्या ब्राइटकॉम ग्रुप को टेक ओवर कर सकता है क्या, जिनका इतना ज़्यादा होल्डिंग है। मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो एफआईआई है, ये जो है इंडेक्स फंड वाले हैं, ज़्यादातर इंडेक्स फंड वालों को कंपनी के जो परफॉर्मेंस में या कुछ में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। एफआईआई लोग क्या करते हैं कि कंपनी एमएससीआई इंडेक्स में है या कोई एफटीएससी इंडेक्स में है, वो हिसाब से वो लोग उतना प्रोपोर्शन में शेयर बाय कर लेते हैं जस्ट टू मेंटेन देयर इंडेक्स फंड। उनको कंपनी के मैनेजमेंट में या परफॉर्मेंस में कोई लेना देना रहता नहीं है। और वही बात डीआईआई की भी है, जबकि डीआईआई की होल्डिंग बहुत ही नॉमिनल है ब्राइटकॉम ग्रुप में, तो वो भी सिर्फ इंडेक्स के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने दो नए इंडेक्स, नए जो म्यूचुअल फंड देखे ब्राइटकॉम ग्रुप में, वो भी उन्होंने भी इंडेक्स के हिसाब से इसमें एंट्री की है, जो नॉमिनल एंट्री की है, ना कि ये हिसाब से कि कंपनी में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो एफआईआई डीआईआई कंपनी के मैनेजमेंट में या बोर्ड में कब इंटरफेयर करते हैं, जब उनका स्टेक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अदानी में इतना हल्ला हो रहा था कि उसमें एलआईसी का बहुत ज़्यादा स्टेक था, वो रियल में एक प्रॉफिट के हिसाब से, या जैसे हमने देखा काफ़ी कंपनियों में, यस बैंक में जैसे देखा कि एसबीआई का स्टेक फिर बढ़ा दिया गया, यस बैंक जब क्रैश हो रहा था तो यस बैंक को संभाला एसबीआई ने। तो ऐसे जब खुद वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो इंटरफेयर करते हैं बोर्ड में, ये तो सिर्फ एक इंडेक्स फंड को बैलेंस करने के लिए एफआईआईडीआई का होल्डिंग है, तो वो कोई भी इंटरफियर ब्राइटकॉम ग्रुप के बोर्ड में करेंगे नहीं, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ईडी का जो आज हियरिंग था वो फिर से पोस्टपोन हो चुका है, और वो पोस्टपोन हो चुका है, उसका हियरिंग अभी 6 फरवरी को फिर से हियरिंग है ईडी कोर्ट में, जो कि फिर से अभी पोस्टपोन तारीख पर तारीख होते जा रही है। और आपको याद होगा 9 फरवरी को सैट कोर्ट में हियरिंग है, उसमें कोई बड़ा कंक्लूजन निकल कर आता है, भले ही पॉजिटिव भले ही नेगेटिव, उसके बाद ही स्ट्रांग मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। बट अगर 9 फरवरी को भी कोई डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट का चक्कर होगा, जिसके कारण और अगर पोस्टपोन हुआ, जैसे कि अगर सेबी ने टाइम मांग लिया या ब्राइटकॉम ग्रुप ने टाइम मांग लिया, तो फिर से वो भी पोस्टपोन हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि 9 फरवरी को क्या निकल कर आता है, उसके बाद ही बड़ा मूव हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में देखने को मिलेगा। बाकी तो ईडी कोर्ट में जो आज का हियरिंग था वो फिर से पोस्टपोन हो चुका है 6 फरवरी को। अब 6 फरवरी को ईडी के कोर्ट में कुछ पॉजिटिव आता है, फॉर एग्जांपल भाई ईडी ने बैकआउट कर लिया, उन्होंने चार्जशीट जो है सबमिट नहीं की, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव उसको मार्केट माने कि ईडी ने फाइनली बैकआउट कर लिया है। बट अगर ईडी ने ये कह के कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दिए ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के खिलाफ कि भाई उन्होंने ये जो है फेमा के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है या वगैरह, उसको ब्रेक किया है, तो फिर तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो सकती है। तो ये सब बातें अभी न्यूज़ के ऊपर चलने वाला है, जब इसीलिए शेयर सुस्त चल रहा है और कंपनी की ओर से भी कोई अपडेट नहीं है, तो इसीलिए हमें वेट करना होगा 6 फरवरी एंड 9 फरवरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।